यानी कि डेप्रिसिएशन प्लस जीएसटी अगर आ जाए क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन के चैप्टर में अगर जीएसटी भी ऐड कर दिया जाए, तब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अकाउंट्स के ऊपर और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बेटा इसकी अकाउंटिंग पर। तो इसे समझने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि सर यहाँ तो जीएसटी मजाक ही बन गया है। हाँ जी बेटा, रियली इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन में जीएसटी सिर्फ और सिर्फ एक मजाक है। अब मजाक कैसे बेटा, थोड़ा सा समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि 1 अप्रैल 2017 को हमने कोई मशीनरी परचेज की है, मान लेते हैं बच्चे 1 लाख रुपए की, प्लस उस पर सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6% आपको पे करना है। मशीनरी आप परचेज करते हो 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख रुपए की, और साथ में उसके ऊपर जीएसटी भी आपको पे करना है 6%, सीजीएसटी 6%, 6% आपके पास एसजीएसटी है, और क्वेश्चन में कहा भाई आपको डेप्रिसिएशन जो लगाना है वो आपको लगाना है 10% पर एनम, और प्रिपेयर करो मशीनरी अकाउंट। आप सभी को पता है, कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, चैप्टर डेप्रिसिएशन होता है तो सोचते हैं हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। तो बच्चे इस बात को बड़ा ध्यान रखना, भले ही चैप्टर डेप्रिसिएशन है बट आप इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाते हो, आप इस चैप्टर में बनाते हो एसेट्स अकाउंट। अगर एसेट्स जो भी परचेज किए, अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है तब हमारे अकाउंट का नाम होगा फर्नीचर अकाउंट, हमने बिल्डिंग परचेज की है तो हमारे अकाउंट का नाम होगा बिल्डिंग अकाउंट, और अगर कंप्यूटर परचेज करेंगे तो कंप्यूटर अकाउंट, ना कि डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस चैप्टर में बात करते हैं बेटा, हम लोगों ने मशीन परचेज की है 1 लाख रुपए की, साथ में सीजीएसटी एसजीएसटी भी है, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है और मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो अब हम क्या करेंगे। हम बेटा इसे दो तरह से समझेंगे। फर्स्ट हम समझते हैं इसके अंदर अगर हमें जर्नल एंट्री बनानी होती तब हमारी जर्नल एंट्री मेरे बच्चे क्या होती। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, विद जीएसटी। बेटा हमने मशीनरी खरीदी है तो एंट्री क्या बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, हमारे पास क्या आया है मशीनरी, और आपके पास से क्या गया है बेटा, टू कैश या टू बैंक। चूंकि हम मोस्टली जो भी बड़े आइटम परचेज करते हैं उनका पेमेंट बैंक से किया जाता है, इसलिए हम टू मशीनरी के कैश की बजाय टू बैंक अमाउंट लिखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू में बैंक, और हम सभी को पता है क्योंकि क्वेश्चन में जीएसटी भी आपने पे किया है, मशीनरी का तो पेमेंट गया है, साथ में आपको इसके ऊपर जीएसटी भी पे करना पड़ा है, तो साथ में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जीएसटी को और चिपका देंगे। क्योंकि परचेज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसे इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और साथ में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू में बैंक अकाउंट। ये रही बेटा हमारी जर्नल एंट्री अगर हम कोई मशीन परचेज करेंगे और साथ में उस पर क्या होगा, जीएसटी होगा। तो ये क्या बेटा उसकी जर्नल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू में बैंक अकाउंट। किसी किसी क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी ना होकर डायरेक्ट क्या गिवन होगा बेटा, आईजीएसटी। तो मशीन अकाउंट डेबिट साथ में आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू में बैंक। ये है बेटा हमारी इसकी जनरल एंट्री। मशीनरी हमने कितने की परचेज की मेरे बच्चे, 1 लाख रुपए की, इस पर जीएसटी कितना है बेटा, 6%, 1 लाख का 6% कितना हुआ मेरे भाई, 6000, और एसजीएसटी भी कितना बेटा, 6000, और टोटल आपके बैंक से कितने पैसे हुए, 1,12,000। तो ये तो बात रही बेटा जनरल एंट्री की। अगर हमें यहाँ पर जनरल एंट्री भी प्रिपेयर करनी है तब आप इस तरह से जनरल एंट्री बना लोगे, मशीन अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी और टू में बैंक अकाउंट, इन दोनों को डेबिट करना है टू में बैंक अकाउंट। और एक बार फिर से, कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं गिवन होता वहाँ पर डायरेक्ट एसजीएसटी होगा, सॉरी बेटा आईजीएसटी होगा, और आईजीएसटी का आप एक बार लिखोगे इनपुट आईजीएसटी और बस,
उसका परसेंटेज गिवन होगा। परसेंटेज किसका निकालना है बेटा आपको, परसेंट निकालना है मशीनरी की कॉस्ट का। ये तो रही भाई जनरल एंट्री। अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग कैसे करेंगे बेटा इस केस में। अब अगर अकाउंटिंग पर चलें तो अकाउंटिंग कैसे की जाएगी बेटा, हमें आता है मशीनरी अकाउंट बनाना, मैंने आपको फॉर्मेट बताया था और आपको ऑलरेडी आता भी है। लेकिन आपको नहीं आता अगर क्वेश्चन में जीएसटी दे दिया जाए तब हम क्या करेंगे, तब बड़ी परेशानी हो जाएगी भाई। परेशानी की बात तब भी नहीं है अगर जीएसटी भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमें फॉर्मेट पता है। सबसे पहले जहां आप कन्फ्यूज होगे, आप इसे डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं लिखोगे, आप इसे क्या लिखोगे बेटा, मशीनरी अकाउंट। क्या होगा भाई हमारे पास, मशीनरी अकाउंट। यहां पर डेट आप सभी को पता है, यहां पर पर्टिकुलर और ये अमाउंट, देन डेट पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब होता है बेटा विवरण, और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट। सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को हमने मशीनरी परचेज की है, तब हम क्या लिखेंगे बेटा, टू बैंक। अब बात आती है सर कितना पैसा लिखोगे, 1,00,000 रुपए लिखोगे सर, साथ में जीएसटी भी लिखोगे। बेटा याद रखना, अगर हम यहाँ पर अपनी जनरल एंट्री पर करें तो ये जो जीएसटी की वैल्यू है या सीजीएसटी की वैल्यू बेटा, ये मशीन के साथ ऐड नहीं होती, ये बैंक का पेमेंट किया है। मशीनरी की कॉस्ट 1,00,000 ही है, इसका कोई भी मशीनरी अकाउंट में लेजर पॉजिटिव का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मीनिंग अगर आप अकाउंट बनाओगे और वहाँ पर जीएसटी गिवन होगा, तो मेरे बच्चे उस जीएसटी का मशीनरी अकाउंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। आप सिंपल टू बैंक में 1,00,000 ही लिखोगे, जितने की आपने मशीनरी परचेज की है, ना अकाउंट में जीएसटी आएगा ना अकाउंट में एसजीएसटी आएगा। बात याद रखना, जीएसटी मशीनरी अकाउंट के लिए खेल है, सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने के लिए देंगे। अगर इस क्वेश्चन केवल अकाउंट बनाना होता तो याद रखना बेटा, मैं सीजीएसटी एसजीएसटी को इग्नोर कर दूंगा, ये कहीं भी इस अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि इसका लेजर पोस्टिंग अगर मैं करूं जनरल एंट्री का, तो मशीनरी अकाउंट में सिर्फ मशीन का पैसा जाएगा, और वो कितने की थी, 1,00,000 रुपये की। अब हमें पता है बेटा ईयर के एंड में हमें क्या लगाना है भाई इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। तब आप क्या लगा दोगे भाई यहाँ पर, डेप्रिसिएशन चूंकि अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो एंड कब होगा हमारे पास, 31 मार्च को। और आप जब डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन, और कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बेटा क्वेश्चन में, 10%। 1,00,000 का अगर आप 10% निकालोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बेटा इसकी, 1,00,000 का 10% यानी के 10,000 रुपये। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। 1,00,000, 1,00,000, 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो बचेगा उसे हम बोलेंगे बैलेंस सीडी, और वो कितना बचेगा बेटा, 90,000 31 मार्च को, और 17 है तो आपका ईयर एंड कब होगा बेटा, 18। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2018, आप दोबारा से लिखोगे, लेकिन इस बार बैंक नहीं लिखना, इस बार आपको बैलेंस बीडी लिखना है, 90,000 का हमारे पास बैलेंस बचा है। अब आप ईयर के एंड में फिर से इस पर क्या लगाओगे बच्चे, डेप्रिसिएशन, और जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन, चूँकि SLM मेथड है, तो SLM मेथड में हर बार ओरिजिनल कॉस्ट का ही डेप्रिसिएशन लगाना है, यानी कि 1,00,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 1,00,000 का आप 10% निकालोगे तो कितना आएगा, 10,000। और यही आपका जो स्टेप है, आप इसे लगातार क्या करते रहोगे बेटा, फॉलो, और आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80,000, और बाय बैलेंस सीडी। सेम है, इस क्वेश्चन को आप आगे ऐसे प्रिपेयर करोगे। तो अभी मुझे जो बताना था बेटा, मेरा जो पर्पस था वो था आपको बताना कि अगर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस में जीएसटी आपको दे दिया जाए तो उस जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट पर या मशीनरी अकाउंट पर। तो इसका मीनिंग है कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मशीनरी अकाउंट पर, आप जितने की भी मशीनरी परचेज करोगे वो कॉस्ट यहाँ पर लिखोगे। अब कभी कभी बेटा क्वेश्चन में आपके पास मशीनरी की कॉस्ट गिवन होगी, साथ में सीजीएसटी एसजीएसटी गिवन होगा, और उसके अलावा मशीनरी पर कुछ एक्सपेंस किए गए होंगे, जैसे कि इंस्टॉलेशन का खर्चा किया है, मशीनरी को लगवाने पर वेजेस दिए हैं, तो बेटा वो उसकी कॉस्ट में शामिल कर लेंगे और टोटल यहाँ पर प्लस करके लिखेंगे। अगर इस क्वेश्चन में
1 लाख रुपए के साथ साथ क्या लिखा होता कि आपने मशीनरी को इंस्टॉल कराने पर 10,000 रुपये खर्च किया है, लगवाने पर 20,000 रुपये का पेमेंट किया है, तब आप उस पेमेंट को इस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड कर लेते अगर गिवन होता तो। बट GST को ऐड नहीं करना है, GST मशीनरी अकाउंट में कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? और अगर आपके पास कोई डाउट है तब आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल जो मुझे आपको बताना था वो था GST का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके डेप्रिसिएशन अकाउंट में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको कोई डाउट है तब आप मेरे पास व्हाट्सअप या मुझे कॉल कर सकते हो बच्चे।